हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। ऋतिक रोशन ने दिया फिल्म को लेकर बड़ा संकेत। कैसा लगा ऑडियंस को सरप्राइज? क्रिश एक ऐसा नाम है जो कि 90s से लेकर 2000s तक के हर बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस नाम ने कई बच्चों के बचपन को सवारा है और ऑनेस्टली उस जमाने में सभी बच्चे सिर्फ क्रिश को ही अपना सुपर हीरो मानते थे। ये बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन तो सब अंग्रेजों की बातें हैं जनाब। हमारे देसी बच्चों के लिए तो हमेशा से ही क्रिश फेवरेट सुपर हीरो था और रहेगा भी। दोस्तों, इस फ्रेंचाइज की शुरुआत साल 2006 में क्रिश नाम की मूवी के साथ हुई थी, जहां ऋतिक रोशन ने क्रिश का किरदार प्ले करके सभी को बेहद इंप्रेस किया। उसके बाद क्रिश 2 और क्रिश 3 मूवीज भी लॉन्च हुई, जिन्होंने ऑडियंस का बेशुमार प्यार पाया और अब फाइनली क्रिश 4 का भी नंबर आ चुका है। काफी वक्त से इस मूवी के बनने की खबरें आ रही थी, लेकिन कभी भी किसी टीम मेंबर या फिर खुद ऋतिक ने इसकी फॉर्मेशन पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन अब फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद क्रिश 4 को लेकर कुछ कुछ कंफर्मेशन सामने आती दिख रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी धमाकेदार कंफर्मेशन और क्रिश 4 के बारे में जरा डिटेल में बात करें। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे बच्चों की सबसे फेवरेट मूवी क्रिश के बारे में। दोस्तों, इतना तो कंफर्म है कि चाहे क्रिश 4 की लॉन्च कितनी भी देरी से क्यों ना हो, लेकिन मूवी के हीरो ऋतिक रोशन ही रहेंगे, क्योंकि माने या ना माने ऋतिक से बेहतर ये किरदार और कोई नहीं निभा सकता। और कहीं ना कहीं इस फिल्म की शूट में देरी ऋतिक के कारण ही हो रही है। दरअसल वो आजकल अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी हैं कि उन्हें क्रिश की शूटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में उन्होंने अपनी भूमि विक्रम वेदा की शूटिंग कंप्लीट की है। बता दें कि ऋतिक ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर अपने न्यू लुक की पिक्चर शेयर की और ऐसा माना जा रहा है कि उनका ये न्यू लुक उनकी फिल्म क्रिश 4 के लिए ही है। इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें लिखा था लास्ट फोटो विद बियर्ड और वो उनकी मूवी विक्रम वेदा की ही प्रिपरेशन थी। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे वो क्रिश के लिए दोबारा अपना बियर्ड लुक अपनाने वाले हैं। उनकी इस फोटो पर कई सारे फैंस के कमेंट्स आए जहां वो जानना चाहते थे कि उनकी मूवी क्रिश कब रिलीज होगी। वहीं कुछ फैंस ने उनके इस न्यू लुक के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें कंग्रेचुलेट भी किया। वेल दोस्तों, आप क्रिश के इस फोर्थ सीक्वल के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।